अब जो है यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप है क्रिएट अ कमांड इंटरफेस, ठीक है। तो यहाँ पे वो इंटरफेस क्रिएट होगा ऑर्डर डॉट जावा विद इन डेट इंटरफेस, ठीक है। यहाँ पे जो है वही इस इंटरफेस के अंदर हमारे पास ऑर्डर डॉट जावा क्रिएट अ रिक्वेस्ट क्लास स्टॉक विच विल हैव ऑल द डिटेल्स अबाउट द स्टॉक, जितना स्टॉक अवेलेबल है, जितनी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है उसी उसकी सारी इंफॉर्मेशन विद देयर प्राइस लिस्ट्स एंड देयर इन ऑल आइटम्स, जितने भी आइटम्स हैं इनकी लिस्ट है, नंबर ऑफ आइटम्स है कि फलां आइटम कितनी क्वांटिटी में है, कलर्स है, मल्टीपल जो है डिज़ाइंस वगैरह जो भी चीज़ें उसके लिहाज से उसकी इंफॉर्मेशन होती है। अगर ड्रेस है तो साइज़ कलर्स और डिफरेंट कम्बिनेशनस होंगे मल्टीपल उसके इमेजेस, या अगर शूज़ है तो शूज़ के भी अपने साइज़ उसके लिहाज से कि कितने आइटम्स अवेलेबल है और किस तरह के कलर्स में अवेलेबल है। तो स्टॉक की सारी इंफॉर्मेशन, स्टॉक में सारी इंफॉर्मेशन जितने भी आइटम्स हैं वो अवेलेबल होंगी। फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट है स्टॉक में, फिर थर्ड है क्रिएट कंक्रीट क्लासेस इम्प्लीमेंटिंग द ऑर्डर इंटरफेस बाय स्टॉक एंड सेल स्टॉक है। तो वही जो एक्चुअल क्लासेस है कंक्रीट क्लासेस जहाँ पे वो सारी एग्जीक्यूशन परफॉर्म होंगी, ठीक है। यहाँ पे तो एग्जीक्यूट का फंक्शन है बट दिस एग्जीक्यूट इज़ एक्चुअली एग्जीक्यूशन ऑफ दीज टू क्लासेस, द फंक्शंस ऑफ दीज टू क्लासेस विच इज़ बाय स्टॉक एंड सेल स्टॉक। तो इसमें ये दोनों काम परफॉर्म होंगे, या तो सेलिंग का काम होगा या बाइंग का काम होगा, ठीक है। बाइंग पर जो भी है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो दो कंक्रीट क्लासेस है बाय द स्टॉक और फिर उसके लिहाज से वही इंफॉर्मेशन है स्टॉक और वही बाय स्टॉक एंड एग्जीक्यूट दैट ऑपरेशन, फिर है सेल स्टॉक एंड एग्जीक्यूट दैट दैट ऑपरेशन। क्रिएट कमांड इन वर्कर क्लास ब्रोकर डॉट जावा, जो कि इसका काम क्या है हमारे पास, वो सारी वो जो है उसके थ्रू वो ऑर्डर प्लेस होगा और वो जाएगा पैटर्न डेमो क्लास में, जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया। ब्रोकर क्लास विल यूज़ दिस वन एंड बाय द यूज़ ऑफ ब्रोकर क्लास दिस स्टॉक दिस ऑल इंफॉर्मेशन विल बी अवेलेबल टू द ऑर्डर, मतलब स्टॉक की सारी इंफॉर्मेशन जाएगी और जो ऑर्डर प्लेस होगा उस उनको ये सारी स्टॉक की इंफॉर्मेशन इसके थ्रू अवेलेबल होंगी, ठीक है। मतलब वो मैसेज जाएगा स्टॉक है तो वही ऑर्डर जो प्लेस होगा, ठीक है, तो वो स्टॉक के लिए लिहाज से होगा, जो स्टॉक में वो चीज़ अवेलेबल है तो वो बाय होगा, और अगर सेलिंग का है तो क्या क्या यहाँ पे सेल, मतलब जिस तरह मल्टीपल चीज़ें लोग ऑनलाइन सेल भी करते हैं, इस तरह ऑल एक्स पे करते हैं, कोई बाय भी करते हैं तो सेल भी कर लेते होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ब्रोकर क्लास डॉट जावा एंड यूज़ द ब्रोकर क्लास टू टेक एंड एग्जीक्यूट कमांड्स एंड कमांड पैटर्न डेमो, एंड जो मैंने पहले डिस्कस किया कि द पैटर्न डेमो क्लास विल मस्ट बी यूज्ड इन ऑल द पैटर्न्स, ठीक है। अब यहाँ पे वेरीफाइंग द आउटपुट, अब स्टॉक दिस स्टॉक नेम सपोज उसका जो है आइटम नेम है सपोज ABC जो भी है एंड क्वांटिटीज़ 5 10 है, ठीक है, मतलब इतने वो बाय हो चुके हैं और इतने ये मतलब सोल्ड, तो जो बाय कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको वही ऑप्शन और वो जहाँ से वो सेल हो रहे हैं जिस वेबसाइट से हैं या जहाँ से वो है तो उनको वो मतलब वही उस तरफ से उनकी सेलिंग हो जाएगी, मतलब दोनों साइड पे वो ऑपरेशन परफॉर्म होता है। मतलब सपोज़ एक चीज़ मैं सेल कर रही हूँ किसी और पे, तो मेरे पास वही इंफॉर्मेशन आएगी कि वो चीज़ मेरी तरफ से सेल हो चुकी है और उधर जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं जिन्होंने ऑर्डर प्लेस किया है उनकी तरफ से वो बाय का वही जो है मैसेज, एक टाइप का मैसेज डिलीवर हो सकता है, ठीक है, और वही ऑर्डर प्लेस करना है या जो भी है, तो यहाँ पे वो दोनों बाइंग का भी मैसेज होगा और सोल्ड का भी मैसेज होगा, दोनों मतलब एक तरफ से तो बाय है तो दूसरी तरफ से वो सेल हो रहा है, ठीक है।